Sean felt that you felt up. What a puzzle. Don't remind Sandra Garitae. Don't add. Ada mobile phone. It's Nubsa passbook. Don't remind. Nubsa perfect banking partner. जिस भी ब्रांच में आपका सेविंग बैंक या करंट अकाउंट है, कोई भी अकाउंट, अगर बिजनेसमैन है तो करंट अकाउंट होगा, इंडिविजुअल है तो उसका सेविंग बैंक अकाउंट होगा, तो वो अकाउंट से आप उसको लिंक कराना है, जिसके लिए आपको एक एसएमएस भेजना होता है। हमारा बैंक निजी क्षेत्र के बैंकों में जहाँ तक विस्तार का सवाल है, चौथा बड़ा बैंक है, और हमारा जो विजन है उसके हिसाब से हमने केरल के बाहर 5 और ऐसी स्टेट्स चुनी है जहाँ हम बहुत तेज़ी से विस्तार करना चाहते हैं, और उन 5 स्टेट्स में महाराष्ट्र भी एक है। महाराष्ट्र में हमारे 3 रीजन हैं, 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, एक पुणे में, एक कोल्हापुर में और एक मुंबई में। कुल मिलाकर 90 से ज़्यादा ब्रांचेस महाराष्ट्र में हैं, उसमें से 1/3 ब्रांचेस हमारी कोल्हापुर में ही हैं। कोल्हापुर हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ हम विकास बहुत तेज़ी से होता हुआ देख रहे हैं और उस विकास में भागीदार बनना चाहते हैं। आज हमने यहाँ पर एक सभा छोटी सी रखी थी, जिसमें यहाँ के जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, सहकारी क्षेत्र के बैंक, उनको हमने निमंत्रित किया था। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर हम मिलकर कोऑपरेटिव सेक्टर के बैंक्स के साथ काम कर सकते हैं। कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वो रिजर्व बैंक के द्वारा उनको इजाज़त न होने के कारण वो नहीं कर सकते, या कुछ स्किल लेवल्स की वजह से भी ऐसा हो सकता है जहाँ पे वो प्रोडक्ट्स वो नहीं ऑफर कर सकें अपने कस्टमर्स को। हम मिलकर उनके साथ उनके कस्टमर्स को भी वो प्रोडक्ट देने की अभिलाषा रखते हैं। इसके अलावा शाम को हमने लघु उद्यमियों के लिए, स्मॉल स्केल के जो इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए एक मीट रखी है, जिसमें हम उनके साथ क्या हम साथ में कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स उनको ऑफर कर सकते हैं। आपको जानकारी होगी कि हमारा बैंक जो है वो टेक से भी प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है, हमें कई अवार्ड्स मिले हैं उसके लिए। एक रिसेंटली जो मिला है वो है फेडबुक के लिए, जहाँ पर आपका मोबाइल ही आपकी पासबुक की तरह काम करता है, जहाँ पर आप अपने हिसाब से अपनी एंट्रीज के अगेंस्ट में, डेबिट क्रेडिट एंट्रीज के अगेंस्ट में अपने रिमार्क्स, अपनी खुद की टिप्पणियाँ लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी कई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ई मेंटेनेंस, ई फी, इन सब की चर्चा हम आज की मीट में करेंगे, और हम यहाँ के विकास में जितनी भागीदारी कर सकते हैं वो कोशिश करेंगे। हमारा सीडी रेशो यहाँ काफ़ी अच्छा है, 100% से ऊपर है। हमारे डिपॉजिट 700 करोड़ से कम हैं, लेकिन एडवांसेस यहाँ पर जो हैं वो करीब 710 करोड़ के आसपास हैं, और इनमें फर्दर और वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि कई हम यहाँ लोन सेंक्शन कर चुके हैं जिनका भी डिसबर्समेंट होना बाकी है, और आने वाले दिनों में ये रेशियो और भी फेवरेबल होगा यहाँ इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से, यहाँ निवेश की दृष्टि से। नमस्कार, मैं वरिंदर गुलाटी, जोनल हेड महाराष्ट्र और गुजरात के लिए फेडरल बैंक से। आज हमने एक छोटी सी सभा का आयोजन किया यहाँ पर, जो कि मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। 62 कोऑपरेटिव बैंक है यहाँ पर कोल्हापुर के अंदर, और उसमें से आज 41 कोऑपरेटिव बैंक ने हमारे यहाँ अटेंड किया, तो ये हमारे लिए बहुत बड़े कॉन्फिडेंस की बात है और बड़े सौभाग्य की बात है कि उन्होंने फेडरल बैंक को इतना अच्छा समझा। फेडरल बैंक जो भी आज कोऑपरेटिव बैंक्स नहीं कर पा रहे हैं अपने लेवल के ऊपर, जहाँ पर उनको सपोर्ट चाहिए, जहाँ पर उनको नॉलेज चाहिए, जहाँ उनको एडवाइजरी चाहिए, वो सर्विसेज सारा हम अपने बैंक की तरफ से उनको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक रिलेशनशिप मैनेजर आज हमने अनाउंस किया है उन सब तमाम कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। कोल्हापुर के ऊपर हमारा काफ़ी फेथ है, और कोल्हापुर की ग्रोथ स्टोरी के अंदर हम भी उनके साथ ग्रो करना चाहते हैं। कोल्हापुर के ऊपर महालक्ष्मी की बड़ी कृपा है, तो महालक्ष्मी की कृपा कोल्हापुर के ऊपर भी रहे और हमारे ऊपर भी रहे। इसके लिए हमने इवन महालक्ष्मी टेम्पल के साथ भी एक ऑनलाइन रिलीजियस ऑफरिंग है, जिसमें देश विदेश में बैठे हुए लोग हैं, तो हमने रिक्वेस्ट किया है कलेक्टर साहब से कि हमें वो मौका दे, और ताकि हम लोग जो देश विदेश में बैठे हों, जो अम्बा मैया को डोनेशन या जो भी उनको चढ़ाना चाहते हैं वो उसके ऊपर चढ़ाएं, तो हम उम्मीद करते हैं कि कलेक्टर साहब हमारी बात को मानेंगे और हमें ये मौका देंगे। इसके अलावा एक एसएमए मीट हमने शाम को आज ऑर्गेनाइज़ की है, जिसमें कि तमाम 126 के करीब हमने इन्विटेशन भेजे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस तमाम लोग यहाँ पर आएंगे, और कोल्हापुर की जितनी भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर, उनके अंदर हम सपोर्ट करें। खजूरिया साहब और चाको साहब ने पहले ही बताया कि कोल्हापुर के ऊपर हमारा काफ़ी फेथ है, और आप ये फेथ इससे भी झलकता है कि हमारा यहाँ पर जो करंट डिपॉजिट रेशियो है वो 100% से ऊपर है, और जो कोई 450 करोड़ के करीब हमारे जो लोन अभी बचे हुए हैं वो डिसबर्स हो जाएंगे, तो ये रेशियो हमारी 130 और 140% रहेगी। इंडस्ट्री
बैंकिंग इंडस्ट्री में जो ग्रोथ रेट 18 से 20% का नॉर्मल है, और चाको साहब ने जैसे बोला कि 25% के करीब हम पैन इंडिया ग्रो करना चाहते हैं, हमारे हिसाब से कोल्हापुर के अंदर हम 30 से 35% ग्रो करने की इच्छा रखते हैं। और एनपीए लेवल हमारा कोल्हापुर के अंदर काफ़ी कम है, कोल्हापुर के लोगों में हमारा विश्वास है, यहाँ की जो भी बिजनेस है एग्रीकल्चरल है एसएमई में है उसके अंदर फेडरल बैंक की तरफ से हम पूरा सपोर्ट देंगे। और इसके अलावा सिर्फ हम पैसा कमाने के लिए कोल्हापुर के अंदर नहीं है, पैसा कमाना हर बिजनेसमैन का हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ध्येय होता है, लेकिन हम उसके साथ साथ फेडरल बैंक पूरी अपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाता है। जैसे कि हमारे रीजनल हेड ने यहाँ पर बताया, तो हम काफ़ी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं। लेटेस्ट दिलासा भवन जो एचआईवी के बच्चों के लिए किया गया, इसके अलावा भी बैंक जहाँ पर जितनी भी हमारी क्षमता रहेगी और जितना भी हमारी कैपेसिटी रहेगी हम ज़रूर कोल्हापुर के साथ रहेंगे, कोल्हापुर वासियों के साथ रहेंगे। और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी हमारा उतना ही साथ दें जितना हम। थैंक यू सो मच। There are 30 branches in Kolhapur region, covering 6 districts. Total deposit position 670 crores, and the total advance is 712 crores, having a credit deposit ratio more than 100%. Then our main focus on agri is advance is agri sector and SME sector. I mean our major exposures are to poultry, then sugar, then floriculture, then textiles and foundry. Recently we have opened an federal literacy center, credit counseling center in Jaisingpur. It was opened last month, and it's meant for giving free service, literacy service regarding the banking terms to the customers of any banks. That means if a small borrower, he wants a loan, he can approach this credit center and get the knowledge which bank the lesser rate he can obtain the education loan, agri loan. Moreover, in case of a borrower, but he find it very difficult to remit the money, he's in debt trap, then again he can contact our counseling center in Jaisingpur, and that counselor will be in contact with the particular bank. That means this service is not to the customers of Kolhapur alone, I mean the Federal Bank alone, it is extended to the customers of all the banks. So the counselor in Federal Literacy Center, he will be in contact with the manager of that particular bank and will resolve the issue. It works as per the guidelines issued by the Reserve Bank of India. I appeal to all the customers in Jaisingpur area to approach our literacy center and avail the service freely. Thank you very much.